Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in our YouTube channel Dax Tutorials. Last videos में हमने आपको exercise 13.2 के question number 6 तक बता दिए। आज चलते हैं आपका question number 7 की ओर, in which saying that the inner diameter of a circular bell is 3.5 meter, it is 10 meter deep. Find its inner curved surface area. In second part, the cost of the plastering this curved surface area at the rate of rupees 40 per meter square. यानी आपको इनर डायमीटर आपको दिया हुआ है और डेप्थ दी हुई है, आपको इनर सीएसए आपको फाइंड करना है। इनर सीएसए फाइंड करने के लिए आपको रेडियस की नीड होगी, तो पहले डायमीटर से हम रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर बेल आपकी हो जाएगी 3.5 अपॉन 2, पॉइंट हटा देंगे, जीरो हटा देंगे, इधर हम आपका हो गया 5 7 4 7 अपॉन 4 मीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेल। Now in first part we have to find inner curved surface area, inner CSA of the bell. CSA का formula 2πRh, value put करते हैं 2π for 22 upon 7, r for 7 upon 4 और h for है आपका 10, right? ये देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 टाइम कट गया, 2 से 11 टाइम कट गया, 11 टाइम का कितना होगा 110 मीटर स्क्वायर, दिस इज द इनर सीएसए ऑफ द बेल। इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग एट द रेट, रेट ऑफ द प्लास्टरिंग क्या है आपका, रेट ऑफ प्लास्टरिंग इक्वल टू रुपीस 40 पर मीटर स्क्वायर, रुपीस 40 पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग क्या हो जाएगी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई एरिया हमारा कितना है 110, 11 4 जा 44 डबल 0 दैट इज रुपीस 4400। आफ्टर दैट इन क्वेश्चन नंबर 8, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। यानी कोई हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, उसमें कोई सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 28 मीटर है और उसका जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है कि उस टोटल रेडिएटिंग सरफेस आपको बताना है सिस्टम में, इन द सिस्टम में जो रेडिएटिंग सरफेस होगा, रेडिएटिंग सरफेस से हमारा क्या होगा, जो उसका सर्कुलर पोर्शन यानी होगा, यही तो रेडिएशन करेगा, तो रेडिएशन सिस्टम में जो हमें सरफेस निकालना है, इट मींस वी हैव टू फाइंड द सीएसए ऑफ द पाइप, जो पाइप दिया हुआ सिलेंड्रिकल पाइप का सीएसए आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे मीटर में दिया, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो आप क्या करेंगे इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 5.2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप, 5.2 डिवाइड कर देंगे इसको 2.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए 2.5 अपॉन 100, पॉइंट हटा देंगे या जीरो बढ़ जाएगा, दैट इज 1.40 मीटर, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, इट मीन्स सीएसए, देयरफॉर सीएसए का फॉर्मूला हमारा क्या है 2πRh, वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 22/7, r फॉर 1/40 और h फॉर आपका है 28, 7 4 = 28, 4 10 = 40, 22 2 = 44, कैंसिल करेंगे दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस इन हीटिंग सिस्टम।
After that, your question number 9, in which saying that find the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. यानी लेटरल और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है उस पेट्रोल स्टोरेज टैंक का, सिलेंडिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक का जिसका डायमीटर है 4.2 मीटर और हाइट है उसकी 4.5 मीटर। यानी लेटरल या कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड करना सीएसए ऑफ सिलेंडिकल टैंक। फॉर्मूला हमारा होता है 2πRH, 2π की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 2.1 और H की वैल्यू 4.5, 7 से 0.3 टाइम ये कट जाएगा। ठीक है, आगे इसका मल्टीपल करते हैं 22 या 44, मल्टीप्लाई 45 3 या 135 डेसिमल टू डेट का, देखिए इसका ये डेट इसका भाई मल्टीपल करते हैं इसका 4 5 20 4 3 12 14 का 4 4 1 4 एंड 1 5। फोर फाइव 20 का 0, 4 3 12 2 14 का 4 कैरी 1, 4 1 4 एंड 1 5 सेम एज अगेन 0 4 5 प्लस करेंगे 0 4 9 5 डेसिमल टू डिजिट 59.40 मीटर स्क्वायर। दिस इज द सीएसए ऑफ द क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक। इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, यानी एक्चुअल में सीट कितनी यूज हुई। इफ 1/12 ऑफ द सीट एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, एंड टैंक को बनाने में 1/12 पार्ट उसका वेस्ट हो गई थी, तो जो यूज कितनी हुई 1/12 उसमें वेस्ट हो गई, तो जो टैंक बनाने में यूज हुई वो कितनी हुई 11/12 पार्ट हुई, क्योंकि टोटल पार्ट में 1/12 पार्ट उसका वेस्ट हो गया, तो बचा कितना 11/12 पार्ट। ओके, सो We will assume that let the actually used, actually means जो सीट उसे परचेज होके आई थी जिसमें हमें जो कटिंग में या मेकिंग में वेस्ट हो गई वो भी प्लस करके हमारी एक्चुअली यूज हुई। let the seat actually used equal to x meter square। स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, सॉरी सीट की जगह एक्चुअली स्टील है वहां पर, लेट द स्टील एक्चुअली यूज्ड एक्स, तो वेस्ट हमारी कितनी हुई वेस्टेड 1/12 ऑफ एक्स दैट इज एक्स अपॉन 12 मीटर्स। तो यूज इन टैंक x हमारा था टोटल, उसमें से x अपॉन 12 माइनस कर देंगे दैट इज 11/12 x मीटर स्क्वायर, और 11/12 x मीटर स्क्वायर होगा दैट इज द टीएसए ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल टैंक में टीएसए वही तो यूज हुई उसमें, बाकी वेस्ट हो गई कटिंग में। इस तरीके से हमारा सिंस टीएसए ऑफ टैंक इक्वल टू 2πRH+R, और TSA की जगह हमारा क्या हो जाएगा यूज इन टैंक, जो सीट है स्टील यूज इन द टैंक दैट इज x अपॉन 12 इक्वल टू 2π 22/7, R हमारा है 2.1 और H है हमारा कितना 4.5 और फिर हमारा R 2.1 राइट, ये 7 से हमारा 0.3 टाइम कट गया। एक्स वन टू का हमारा 22 2 44 सॉरी 11/12
ये हमारा 11.12x है, x इक्वल टू अब आपको हो जाएगा 22 या 44 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 4.5 और 2.1 हुआ हमारा 6.6 राइट। और ये इधर आके हो जाएगा 12/11, 11 से इसको आप काट देंगे 0.6 टाइम, x इक्वल टू हमारा 44 मल्टीप्लाई 3 6 18 0.18 मल्टीप्लाई 12 44 मल्टीप्लाई 12 8 क्या 96 और 12 बन गया 12 एंड 9 21 डेसिमल 2D12। अब इसका मल्टीपल कर दीजिए, दैट इज अवर एरिया ऑफ द सीट स्टील विच इज इजी टू मेक द टेंट। 4 6 24 4 बन जा 4 2 6 और 2 4 8 4 2 8 दैट इज वंस अगेन 4 6 8 एडिंग 4 एंड फॉर 0 कैरी 1 1 7 8 8 1 6 7 8 15 का 5 कैरी 1 9 डेसिमल 2D12 दैट इज 95.04 मीटर स्क्वायर। हेंस द एरिया ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड हेंस द एरिया ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड इक्वल टू एक्स इक्वल टू 95.04 मीटर स्क्वायर 95.04 मीटर स्क्वायर। DAX Tutorials presents online interactive live classes, mobile number 8279452537. Question number 10, in which saying that in figure 13.12, you see the frame of the lampshade, it is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 cm and height of 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for folding it. Folding it over the top and bottom of a frame, find how much cloth is required for covering the lampshade. यानी आप देख रहे हैं फिगर में कोई लैंपशेड है, इस पर एक क्लॉथ कवर किया जाना है जिसमें फोल्डिंग के लिए जो मार्जिन है दोनों साइड से जो फोल्डिंग का मार्जिन है इधर ऊपर से भी और बॉटम से भी, तो मार्जिन की हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर है, यानी 2.5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाता है इस पे क्लॉथ, ठीक है, और 2.5 नीचे बढ़ जाता है मार्जिन के लिए, 2.5 इधर हो गया और 2.5 इधर हो गया, तो टोटल लेंथ और हाइट ऑफ द क्लॉथ हमारी कितनी हो जाएगी 30 ऑलरेडी है, 2.5 ऊपर पड़ेगा 2.5 नीचे, यानी 35 सेंटीमीटर टोटल हाइट हो जाएगी हमारी। देखिए आपको डायमीटर ऑफ लैंपशेड दिया हुआ है, यहां से रेडियस फाइंड कर लेंगे ऑफ लैंपशेड, रेडियस के लिए 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर राइट। After that, total height of the cloth with margin. Total height of cloth with margin. यानी 30 + 2.5 × 2 that is 35 cm. एरिया ऑफ कवरिंग क्लॉथ यू हैव टू फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। एरिया ऑफ क्लॉथ फॉर कवरिंग द लैंप शेड दैट इज CSA, और CSA का फॉर्मूला हमारा होता है 2
पाई आर एच, वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 π/22/7, आर फॉर हमारा कितना है 10 और एच फॉर 35, ये वाला लगेगा 7 × 5 = 35, हमारा कितना हो गया 2 × 5 = 10, 10 × 100 दैट इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द प्लॉट फॉर कवरिंग द लैंप शेड, यानी लैंप शेड को कवर करने के लिए 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लगेगा। आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में, द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद वेस, यानी किसी विद्यालय के स्टूडेंट से किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहा गया जिसमें एक पेन होल्डर्स बनाना है, डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स जिसमें इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद बेस, यानी बेस सहित पेन होल्डर है सिलेंडर की शेप का, यूजिंग कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का यूज करके ईच पेन होल्डर बाई टू वी रेडियस 3 cm एंड हाइट 10.5 cm, विद्यालय वाई टू सप्लाई द कंप्यूटर विद द कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कंप्यूटर्स, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन, कंपटीशन के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन रेडियस ऑफ पेन होल्डर इक्वल टू 33 cm है, हाइट ऑफ पेन होल्डर 10.5 cm है, हमें बताना है, पहले बता करें कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर ए पेन होल्डर, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ए पेन होल्डर, एक पेन होल्डर के लिए एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ए पेन होल्डर, एक पेन होल्डर के लिए कितना एरिया होगा, दैट इज क्योंकि विद बेस है तो सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, सी एस ए का फॉर्मूला हमारा होता है 2 πr h और एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, राइट, आप इसमें से पाई आर कॉमन ले सकते हो तो बचेगा 2h + r, वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई 22/7, अलग अलग भी लगा सकते हैं आप, एक ही बात है, r की वैल्यू हमारी कितनी है 3, 2 × h, h की जगह हमारा कितना है 10.5 और r की जगह हमारा 22/7 × 3, मल्टीप्लाई 10.5 × 2 करेंगे तो 21 और 3 = 24, राइट, आगे होगा हमारा 66 × 24/7, मल्टीपल कर देते हैं इसमें, कितना होगा 6 × 4 = 24, 6 × 2 = 12 and 2 = 14, 6 × 4 = 24 का 4 × 2 = 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 14, और फिर 6 से मल्टीपल करेंगे तो 144 ही आएगा, आप इसे प्लस कर देंगे 4 × 8 = 1,584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड फॉर ए पेन होल्डर, बट इन कंपटीशन देयर वर 35 कंप्यूटर्स, सो इस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हमारे 36 इक्वल टू कितने 35, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड देयरफॉर टोटल
एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड। इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 1584 अपॉन 7, यानी एक पेन होल्डर का एरिया और 35 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35 5 4 20 का 0, 5 8 40, 40 and 4 40 and 2 42, 5 5 25 and 4 29 और 5 5 5 and 2 7 डेसिमल, नो डेसिमल, 79 7 9 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपटीशन, यानी एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, इतने कार्डबोर्ड की हमें जरूरत होगी फॉर द 35 कंप्यूटर्स इन द कंपटीशन। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पूछते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।